कैसे हो आप सब? होपफुली ठीक होंगे आप जो होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। सुबह सुबह एकदम मैंने नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो आप मैं किचन पर जाऊँगी, ब्रेकफास्ट बना के फिर खाऊँगी। एंड देखिए आजकल इतना ज़्यादा गर्मी है ना, फिलहाल तो सुबह का 7 बज रही है। एंड देखिए बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकल आया है, एक बार दिखा देती हूँ मैं। इतना ज़्यादा धूप है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप। सुबह सुबह मैंने खाई रोटी, चिकन एंड चाय। एक्चुअली मैं सुबह थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट करती हूँ। खाना वाना तो हमने खा लिया है, सो फिलहाल मैं पढ़ाई करना चाह रही हूँ। एक्चुअली अगले महीने मेरा एग्ज़ाम है, सो मैंने सोचा कि अभी से मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँ। एंड मैं फिलहाल 2 घंटे एकदम फुल कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना चाह रही हूँ, पता नहीं कर पाऊँ कि ना पाऊँ। सो पढ़ाई वगैरह करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस पढ़ाई तो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, तो चलो अभी किचन पर चलती हूँ एंड खाना वगैरह बनाती हूँ। खाना क्या है? शाहिदा ने सब्जी वगैरह काट कर लिया है, सो आप हम खाना बनाएंगे। एंड घर में ना मतलब किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो हमने ना बाहर ही खाना बनाने के लिए सोचा। एंड देखिए शाहिदा ने ऑलरेडी दाल बना दिया है, सो अब मैं बनाऊंगी एक कारी, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद। अभी मैं एक कारी बनाने वाली हूँ, सॉरी एग फ्राई। तो मैंने सोचा क्यों ना एग फ्राई का जो रेसिपी है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। आई थिंक आप सबको तो एग करी वगैरह बनाना आते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देखिए मतलब मेरी स्टाइल में मैं कैसे एग फ्राई बनाती हूँ वो देखिए। एंड देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग डेफिनेटली घर पर ट्राई कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। एंड गाइस जो बार बार शोर वगैरह आ रहा है, एक्चुअली मेरी जो पड़ोसी है उनके घर में काम वगैरह चल रहा है, सो जिस वजह से बहुत ज़्यादा शोर वगैरह आ रहा है, सो उसके लिए पहले ही मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। एंड गाइस बार बार जो आप लोग एक लड़की को देख रही हो, मतलब मैंने जो अभी अभी शाहिदा करके बुलाया वो एक्चुअली मेरी ननंद थी, सो मैंने सोचा आप लोग पूछोगी तो मैंने पहले ही बता दिया। चलो फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले मैंने बॉयल एग काट किया, एंड मैंने कुछ इस तरीके से काट किया। आप मतलब जैसे आपकी मर्ज़ी वैसा आप शेप दे सकते हो। फिर एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, एंड वहाँ पर मैंने ऐड किया सरसों का तेल। फिर मैंने यहाँ एक एक करके सभी मसाला वगैरह ऐड किया। सो सबसे पहले मैं जीरा, लहसुन, प्याज एंड हरी मिर्च ऐड करके उसको ब्राउन कलर आने तक मैंने पकाई। एंड जब ब्राउन कलर आ गया फिर मैं एक एक करके सभी मसाला वगैरह ऐड किया। सबसे पहले मैंने ऐड किया हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड थोड़ी सी नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको चाहिए। एंड मैंने नमक ऐड किया था लेकिन वीडियो में नहीं आया, क्यों पता नहीं। एंड इसको फिर से मैंने 2 मिनट तक पकाई। एंड 2 मिनट बाद इसका जो कलर है आप लोग देख सकते हो, कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया था। फिर यहाँ पर सभी एग को यू नो डाल दिया, एंड उसको और एक बार 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाई। एंड फाइनली देखिए हमारा एग फ्राई रेडी हो गई है, तो आप हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो गाइस यही है सिंपल एंड इजी एग फ्राई रेसिपी। सो आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड खा के फिर कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा बना एग फ्राई। किचन पर लेमन नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना लेमन तोड़ के लेके आओ अपने ही पेड़ से, तो मैं गई लेमन तोड़ने। एंड ये जो पेड़ आप लोग देख रही हो ये 3 से 4 साल पुराना है, सासू माँ ने मुझे बोला था। एंड आजकल ज़्यादातर लेमन वगैरह नहीं लग रहा है, एंड इस पेड़ का हालत भी थोड़ा ख़राब है। एंड ये जो लेमन है इसका ग्रोथ बस इतना तक ही है, ज़्यादा बड़े नहीं होता है। एंड ये मतलब अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया है, एंड इसमें लेमन जूस भी बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही अगर आप वेट लॉस करना चाह रही हो तो आप ऐसे में यू नो गर्म पानी के साथ लेमन जूस पी सकते हो। मेरी वेट थोड़ा बढ़ गई है तो मैं सुबह सुबह पीती हूँ। चलो एक बार मैं अपनी मैंगो की पेड़ भी आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली अभी मैं और शाहिदा हम दोनों मैंगो खाने वाले हैं, तो यहाँ से मैंगो तोड़ने वाली हूँ मैं। एक्चुअली इस पेड़ में ना बहुत ज़्यादा मैंगो लगी थी, जब मतलब मैंगो छोटे छोटे थे तब मैंने यू नो वीडियो शूट किया था, लेकिन जैसे ही मैंगो बड़े हो गई मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एक्चुअली मेरी हाथों का ऑपरेशन तब भी हुआ था। देखिए कितना छोटा सा मैंगो मिला मुझे अभी। सो फिर चलिए और एक मुझे लेमन देखने को मिला, ये भी मैं तोड़ लेती हूँ। एक्चुअली गाइस इस लेमन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा यू नो बड़े है, शायद इस लेमन को लाइम कहते हैं, मुझे अच्छी तरीके से नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलो फिर रूम पर चलती हूँ एंड मैंगो काट करके फिर खाती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। सो देखिए मैंगो हमने काट कर लिया है, एंड अभी हम दोनों मैंगो इंजॉय करेंगे।
देर बाद मेरी हस्बैंड आ गया था, सो हम सब ने लंच किया। हम सब ने मतलब मेरी हस्बैंड, मैं और शाहिदा, एक्चुअली अब्बा माँ घर पर नहीं है, वो लोग यू नो बाहर गई हुई है, तो हम तीनों ने लंच किया। फिर मैं और शाहिदा पहुँच गई डॉग को खाना देने। एक्चुअली हम बहुत सारे डॉग पालते हैं एंड घर में नहीं पालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटी वगैरह करते हैं, इसीलिए हम उन लोगों को दूसरे जगह पर पालते हैं। तो चलो फिर आप लोगों को भी एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट है गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड मुझे ये सबसे यू नो प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो मैं उन लोगों को खाना देती हूँ। आप लोग डॉग को देख के मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो देखिए वो लोग आ रहा है, मतलब हम जैसे ही मतलब यहाँ आते हैं ना, उनको मतलब पता चल जाता है कि हम उनके लिए खाना वगैरह लेके आया है एंड एकदम पीछे पीछे आने लगता है। सो फिलहाल हम उनको खाना वगैरह खाने के लिए दे देंगे एंड ये जो बर्तन है ना, इसमें ही वो लोग खाना खाते हैं। एंड देखिए कितना ज़्यादा क्यूट है, खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। एंड जैसे ही मैं आती हूँ ना, वो लोग डर जाता है, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे ही बड़े ग्रुप का डाक आते हैं तो वो लोग भाग जाती हैं, पता नहीं क्यों। डाक को हमने खाना दे दिया है एंड सभी डाक अपने अपने खाना एंजॉय कर रही है एंड हम दोनों को ना इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्या ही बोलूँ गाइस। सो हम दोनों ने सोचा कि फटाफट से घर चलते हैं। सो हम पहुंच गए घर एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर